पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और देपसांग से भारत और चीन के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने अपनी गाड़ियां गोला बारूद वापस लाना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार भारतीय सैनिकों की वापसी की जानकारी शुक्रवार को मिली। सैनिक वहां तैनात थे जहां भारत चीन के बीच 2020 से टकराव के हालात बने हुए थे। भारत और चीन ने 21 अक्टूबर को पेट्रोलिंग पर सहमति जताई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत और चीन में सीमा पर पेट्रोलिंग सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है, इससे मई 2020 से पहले की स्थिति वापस आएगी। बता दें कि 21 अक्टूबर को दोनों देशों के कोर कमांडर की मीटिंग के बाद ही सेनाएं छोटी छोटी टुकड़ियों में पीछे हटना शुरू कर चुकी थी।